अब देखते हैं सिल्वीकल्चर सिस्टम ऑफ इंडियन ट्रीज। अगर इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस की बोला जाए तो ये सबसे दर इम्पोर्टेंट वाला चैप्टर है, या ये बोलो कि मार्क्स जो हैं इसके लगभग 40 मार्क के समथिंग या 30 मार्क्स के समथिंग जो आते हैं, ये सबसे मुफ्त के मार्क हैं, बिल्कुल फ्री के मार्क्स। एक्चुअली बोले तो ये अपना इंटायर सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा स्ट्रेटजी पे काम करता है। इसमें देखो फॉरेस्ट्री स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर लगभग 200 के ऊपर ट्रीज हैं जिन्हें पढ़ना होता है। अब इसी को आप फॉरेस्ट के प्रोफेसर के हिसाब से देख लो तो फर्स्ट तो ये सभी पढ़ाते नहीं हैं, इसके लिए स्पेसिफिक प्रोफेसर होता है, और जो वो स्पेसिफिक होता है वो एक्सेप्शनली बहुत ही कम होते हैं। तो प्रोबेबल 90% तो ये है कि आपकी जो कॉपी चेक करेगा वो ट्री स्पीसीज वाला तो प्रोफेसर नहीं मिलने वाला। अदर्स को थोड़ा बहुत नॉलेज होता है जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल अगर टीक है तो टीक में स्टम्प प्लांटिंग करेंगे, एवरेज किस में कब लीफ फॉल होता है उसमें एक दो मंथ का एक अगर फ़र्क पड़ता है, अगर आपको एक एवरेज आइडिया है और अगर आप उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है। इसलिए मैंने बोला कि ये पूरा पूरा मुफ्त का है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इसमें जो भी आपकी 32 स्पीसीज़ हैं आपको इसमें 4-5 को ध्यान देना है स्पेशली, और उन्हीं के हिसाब से जो एसोसिएट स्पीसीज हैं उनके कैरेक्टर लगभग सेम होंगे। फॉर एग्जांपल आप स्पीसीज को 3 टाइप से डिवाइडेड कर लेंगे, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन स्पीसीज है और जो हिमालयन की स्पीसीज है। अब नॉर्थ इंडिया में अगर 10 प्लांट स्पीसीज हैं तो 10 सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन, इडेफिक हो या बायोटिक फैक्टर हो, सभी की कंडीशन लगभग ऑलमोस्ट सेम है, सबके सेम टाइप के फैक्टर्स हैं, तो उनकी जो फिनोलॉजी है वो ऑलमोस्ट सेम होगी। मींस आउट ऑफ 10 स्पीसीज 8 जो है वो लगभग सिमिलरिटी फैक्टर्स हो करेंगे। ओके, अब यहाँ पर अपना मुद्दा पढ़ना क्या है, ये आप पीडीएफ में पढ़ लोगे, उसमें बहुत कुछ इनफ है। जो लास्ट में आपको मैंने सीधा मणिकनंदन की जो कॉपी दे दी है उसके पीछे रीजन ये है कि जो मुझे बताना था वो स्टार्टिंग के टॉपिक्स में इनफ है। इसके बाद जो रिमेनिंग अगर आपको जो देखना है, मींस उसका पर्पस केवल इतना है कि आपको उन प्लांट के बारे में एक एवरेज आइडिया हो जाए कि आपको लिखना क्या है, तो वो वहाँ पर दिख जाएगा कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बीच में क्लाइमेट का टेम्परेचर कितना है, किस टाइप की टोपोग्राफी है सॉइल का, क्योंकि वो एसोसिएट स्पीसीज से ऊपर ही कवर हो जाती है। ओके, अब हम चलते हैं, हमारा पहला इशू क्या है, हमें स्ट्रेटजी से ही देखना है इसे। तो फर्स्ट तो ये है कि आपको 3 नाम याद होना चाहिए, कोई भी स्पीसी जो आता है उसका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम और फैमिली। आप यहाँ जब भी क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ सबसे पहले तो आपको हमेशा साइंटिफिक नेम ही मिलेगा 99%, एक्सेप्शनली 1% कहीं वो यूज़ कर सकते हैं कॉमन नेम, अदरवाइज वो साइंटिफिक नेम ही यूज़ करते हैं। अब आपको लिखते समय आपको हमेशा याद करना है कि उसका कॉमन नेम और फैमिली को भी मेंशन कर देंगे। इससे करने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि ये जो है मेंशन करते ही जब आप उसे ब्रैकेट में करेंगे, आगे हम देखेंगे, तो आपकी कॉपी दूसरों से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी। आपको एक्चुअली कुछ दूसरों से बहुत कुछ अलग नहीं लिखना है, कॉमन तो सभी लिखेंगे, बस आपको थोड़ा सा एक 2% थोड़ा ज़्यादा लिखना है जिससे आप उनसे 1 या 0.5 मार्क्स ज़्यादा ले आओ। और अगर टोटल पूरे पेपर में अगर 15 मार्क्स भी ज़्यादा आ गए तो दोनों पेपर के 30 मार्क्स बहुत आगे ले चले जाते हैं। दूसरा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हें एक एक करके हम आगे देखेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पर मैं इतना बताना चाहूँगा कि आप जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन लिखें किसी भी स्पीसीज का, तो 101% उसका मैप कंपलसरी बनाना है। वहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन में एसोसिएट स्पीसीज इसलिए देखना है कि अगर आपने एक स्पीसीज का पढ़ लिया तो एसोसिएट स्पीसीज का बेसिक बहुत सारी चीज़ें हैं वो लगभग कॉमन होती हैं और वो वहीं पर कवर हो जाती हैं। मैंने जैसे अभी बोला कि जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन है, इनमें समर में लीफ शेडिंग होती है, तो पूरे पूरे जंगल में लीफ शेडिंग होती है, ऐसा नहीं होता कि साल ने लीफ शेडिंग की, अदर स्पीसीज भी करती हैं। हाँ, मैंने अभी बोला कि आपको 10 में से 8 करती हैं, 2 एक्सेप्शनली होती है, तो कुछ स्पीसीज होंगी, तो बस इतना याद रखना है, मेरे को एक्सेप्शन पर थोड़ा ध्यान दे देना है बस, और सबको एक ब्लेड से काट देना, जिससे थोड़ा आसान जाता है। अब देखते हैं सॉइल, सॉइल का यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है कि जब आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे तो वहाँ पर कुछ फैक्टर अपन को मेंशन करने होते हैं जिससे हमारे थोड़े क्वेश्चन का वेट जो आंसर है उसका वेटेज मिल सके। अब सॉइल को आप क्या सब ट्री के लिए अलग सॉइल करोगे, देखो पहले तो हम सॉइल देख लेते हैं, कोई एग्रीकल्चर सॉइल तो है नहीं,
जो इनका प्लान, जो लैंड है, टोपोग्राफी है, वो प्लान हो। दूसरा, सॉयल जो बेसिक है वही रहेगी। जैसे नॉर्थ इंडियन की आप एलुवियल सॉयल देखोगे, साउथ इंडिया है हाँ जो हिल रीजन है उनकी माउंटेन वाला वो रीजन है। नॉर्थ इंडिया में एलुवियल हो गई, राजस्थान की थोड़ी ड्राई है, डेजर्टिक है, जो सैंडी सॉयल है, और उसकी और जो एलुवियल वगैरह इसके बीच में कैसी होगी, सेमी एरिड होगी। डेक्कन ब्लैक कॉटन सॉयल कहाँ पर होगी, डेक्कन प्लेट्यू रीजन में। साउथ इंडिया को आपको मालूम है रेड कलर की है, रेड सॉयल है। ये रेड सॉयल कहाँ से चलेगी, आप वहाँ से देखोगे तमिलनाडु जो है, इसमें बाई मिस्टेक जो कोस्टल रीजन को ध्यान दें, कोस्टल में हमेशा एलुवियल होती है, बट कोस्टल के ऊपर जो देखोगे पूरी पूरी जो रॉकी रेड सॉयल है वही है। वेस्टर्न घाट में आप देख लोगे लैटराइट सॉयल है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं देना, बस एक बेसिक फ्रेम है तो आप इतने देख लोगे। जैसे कि टीक होता है वो साउथ इंडिया में होता है, 24 डिग्री मीन्स जो कर्क रेखा उसके नीचे, तो इसका मतलब ये कहाँ पर होगा, या तो रेड सॉइल में होगा या ब्लैक सॉइल में होगा। अब ऐसा भी नहीं है, आप जब भी टीक लगोगे, नॉर्थ इंडिया वाले भी लगा देते हैं आजकल, तो ये भी मेंशन कर दोगे, वो अलग है, लेकिन नेचुरल में आपको ये मालूम है कहाँ ग्रो होता है। तो सॉइल में आप कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हर चीज़ की सॉइल आप रट्टा मारने पर तुल जाओ। ओके, इसके बाद कुछ और चीज़ें और भी हैं, जैसे आपको पंजाब के बारे में पता है कि वहाँ पर कैनाल इरीगेशन की वजह से वहाँ पर जो सॉइल है वो सैलाइन या सैलाइन एल्कलाइन हो गई है। ठीक है, चंबल वाला रीजन है, यहाँ पर रेवाइंस है, तो यहाँ पर कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड पैन फॉर्मेशन हो गया, कंकड़ पैन है। तो सॉइल को थोड़ा देख लेना है, और हमें अब एक्चुअली इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हम आगे जैसे हम एक एक करके स्पीसीज पढ़ेंगे वहाँ पर देख लेंगे कि एक पूरे कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है। यहाँ पर मैं एक जस्ट जनरल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि ये क्या है। अब स्पीसीज का एसोसिएशन बहुत अच्छी तरह से एक बार समझ लेते हैं। तो देखो, पहले तो हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया, जो अपना एलुवियल प्लान है, नॉर्थ इंडियन प्लान है। यहाँ पर एक तो स्पीसीज है जो फेमस है और आपके सिलेबस में, वो है साल। अगर साल के बारे में बात की जाए तो साल है डायप्टेरोकार्पेसी फैमिली का। उस फैमिली का जो सबसे रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है वो है डायप्टेरोकार्पस। तो आपके सिलेबस में साल और डायप्टेरोकार्पस दोनों ही हैं, और दोनों के दोनों नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। दोनों की दोनों फिनोलॉजी, सब कुछ कैरेक्टर लगभग बेसिकली सेम होते हैं, क्योंकि एक ही फैमिली के हैं। दूसरा अगर देखा जाए नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पर होता है सीसम और यूकेलिप्टस। देखो, यूकेलिप्टस तो पूरे ऑल इंडिया में होता है, ये है कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का, लगाया नीलगिरी रेंज में फर्स्ट टाइम था। अब एक्चुअली इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, कुछ ऐसी हैं जो राजस्थान के डेजर्ट रीजन में भी लगती हैं, यूकेलिप्टस कैमलड्यूलेंसिस। एक है सिट्रियोडोरा, जिससे हम ऑयल वगैरह निकालते हैं, वो लगभग सेंट्रल इंडिया में लगता है। यूकेलिप्टस ग्लोबुलस है, वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा लगता है। तो अलग अलग स्पीसीज है, इसका मतलब है नॉर्थ में यूकेलिप्टस लगेगी। दूसरा, अगर सिसु की बात की जाए तो सिसु ऐसी स्पीसीज है जो, अगर आप चंबल का आपको याद रहो कि जो रेवाइंस का सक्सेशन पढ़ा था, उसकी टॉप स्पीसीज है सिसु, डलवर्जिया सिसु या डलवर्जिया लैटिफोलिया। जब ये टॉप स्पीसीज है तो एक तो वो संभल वाला फिक्स हो गया है, दूसरा आप इसे याद रखो हमेशा, पूरी पूरी यूपी गवर्नमेंट ने जो रोड साइड प्लांटेशन की है वो सिसु की है। सीसम की जो वुड है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत यूज की जाती है, और ये पूरे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया, इवन महाराष्ट्र तक ये इजिली ग्रो करती है। अब ये भी बात सही है कि महाराष्ट्र तक ग्रो करती है, लेकिन वो ब्लैक कॉटन सॉइल में तो करती है, लेकिन जो सॉइल जो सिसु है ये एक्चुअली इतनी स्ट्रांग रूट नहीं होती है इसकी कि वो बहुत डीप तक जा सके। इसलिए मैंने बोला कि नॉर्थ इंडिया में कहाँ, यूपी में जो ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन उसमें उग रही है, एमपी के भी उसी रीजन में उग रही है। और इसे क्या चाहिए, वाटर मॉइस्चर थोड़ी आसानी से चाहिए, इतना नहीं कि डीप हो। इसलिए एमपी के जो पेनिनसुलर रीजन है उसमें कहीं नहीं मिलेगी आपको ये, या तो महाराष्ट्र में मिल जाएगी या फिर नॉर्थ इंडिया में मिल जाती है। अब एमपी का जो पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पर मिलता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसे बोलते हैं पलास या ढाक बीड़ी। ये तेंदुपत्ता अलग है, डायस्पायरस मेलेनोजाल है, ये जो है दोना पत्तल जो बनाते हैं वो ब्यूटिया से बनाते हैं। मैंने राजस्थान के अगर बारे में देख लो तो यहाँ पर तीन स्पीसीज आप गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से याद रखो, अकेसिया, केसिया और प्रोसोपिस।
एक स्पीसीज आपके सिलेबस में सालमेलिया मैलाबारिका, उसके नाम में मालाबार जोड़ रखा है, मतलब वो कहाँ पर है, मालाबार की है। और टिक तो पूरे करा मैंने। दूसरा बोला चंदन, चंदन का जो पेड़ रहेगा वो कहाँ पर होता है, सेड चाहिए ना। चंदन के पेड़ को दो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, एक तो उसे सेड सेड चाहिए और दूसरा चाहिए उसे होस्ट, रूट होस्ट, क्योंकि वो रूट पैरासाइट है। तो वो भी कहाँ, साउथ इंडिया में। और ये आसानी से कैसे याद हो जाता है, वीरप्पन था चंदन तस्कर, तो थोड़ा आसान चला जाता है। अब हम अगर जम्मू कश्मीर वाले रीजन को देख लें यहाँ पर, हाँ एक चीज़ छूट गई है, वो है तराई रीजन। जो तराई रीजन में पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पर पॉपुलर बहुत लगाते हैं, और पॉपुलर का इशू भी आपको जम्मू कश्मीर का पढ़ने में आएगा कि वहाँ पर लोगों ने पॉपुलर की जो पोलन ग्रेन्स है उससे एलर्जी क्रिएट होता था, और वो पूरे पूरा वहाँ से पंजाब जम्मू कश्मीर से लेकर के यूपी के जो वेस्टर्न यूपी का पार्ट है वहाँ तक पॉपुलर ग्रो होता है। मतलब जम्मू कश्मीर में पॉपुलर हो रहा है, पॉपुलर वैसे भी कोल्ड रीजन का है, ऊपर थोड़ा जाते हैं तो सेलेक्स आ जाता है क्रिकेट बैट इंडस्ट्री के लिए। और मैंने आपको बोला था कि जो कोल्ड डेजर्ट है उसको आपको रिवाइव करना है, फॉरेस्ट वापस एफोरेस्टेशन करना है, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा काम कर रही है वो कर रही है सीबकथॉर्न पर। और साउथ जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, बम्बू। मैंने एक बार बताया था आपको कि वहाँ बम्बू फॉरेस्ट इतने क्यों डोमिनेंट है, क्योंकि वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक बहुत बड़ा कॉजेज है। लोग काट के चले जाते हैं, जो एरिया छोड़ते हैं शिफ्टिंग में, दूसरी स्पीसीज इतनी कैपेबल नहीं हो पाती हैं कि उस पर ग्रो कर पाएँ। जब तक वो हो पाती है उससे पहले ही यहाँ बम्बू के राइजोम से उस एरिया को कवर कर लिया जाता है, तो कोई स्पीसीज कॉम्पिटिशन में से हरा नहीं पाती है, इसलिए वहाँ बम्बू बम्बू हो रखा है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो पहला मुद्दा अपना था स्ट्रेटजी पे, तो सॉइल अपना एक बेसिक आइडिया हो गया आपको, स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन का आपको एक याद हो गया। मैंने अभी आप बोला जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे मेंस में आप मैप 100% बनाओगे। दूसरा कॉमन साइंटिफिक नेम और फैमिली हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं रेनफॉल और क्लाइमेट। देखो क्लाइमेट तो आपको बेसिक याद है कि जो साउथ इंडिया है पूरा पूरा एमपी तक है ये है ट्रॉपिकल, इवन ट्रॉपिकल जो है वो लगभग यूपी तक कवर हो जाता है। यूपी के जो नॉर्दर्न है, जो हिमालय से जुड़ा हुआ रीजन है, ये क्या है, ये है सब ट्रॉपिकल, और मीन शिवालिक जो है वो भी सब ट्रॉपिकल में आ जाता है। तो अपने जो पाइनेस रॉक्स वर्गी है वो सब ट्रॉपिकल में आता है। और एक पाइनस की चार स्पीसीज एक्चुअली इंडिया में ग्रो करती है, तो उसमें एक है पाइनस रॉक्स वर्गी जो अपनी नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में ग्रो करती है। यहाँ पर है पाइनस रॉक्स वर्गी जो है सब ट्रॉपिकल की, और एक है पाइनस केसिया, केसिया कासी, गारो खासी जयंती सुना होगा, तो केसिया कासी जो है वो है कासी हिल्स में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में। अब आपको पता है गारो खासी जयंती जो है ना, अगर आप वो ट्रॉपिकल लाइन को देखोगे जो अपने कैप्रिकॉन और कैंसर की लाइन है, तो ये जो अपने कैप्रिकॉन है वो कहाँ पर जाती है, कर्क रेखा, वो गारो खासी जयंतिया के बिल्कुल बगल से निकलती है। मींस वो रीजन किस में आता है, ट्रॉपिकल में। लाइन के हिसाब से भी दूसरा समुद्र के पास में भी है, सी के नियर है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि वो पूरा पूरा ट्रॉपिकल रीजन है। तो वहाँ पर जब पाइनस केसिया उगता है तो इसे बोला जाता है ट्रॉपिकल पाइन। मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तो रिसेंट में तो नहीं है, बट पुराने क्वेश्चन में उन्होंने सीधा ट्रॉपिकल पाइन को मेंशन किया। तो इसका रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से देख लोगे। आपको मालूम है कि साउथ इंडिया में कब हो रहा है, तमिलनाडु में रेनफॉल है वो नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल से हो रही है, नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है उससे हो रही है, नॉर्थ इंडिया में साउथ वेस्ट से हो रही है। और एसोसिएट स्पीसीज का पर्पज़ एक ही है कि हमें अगर एक स्पीसीज का क्राइटेरिया बताया तो दूसरी स्पीसीज थोड़ा आसानी से चली जाए। अब इन्हें हम चीज़ों को देख चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि एक एक करके स्टेप देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था ये कि गिव द सिल्वीकल्चर कैरेक्टर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको अजय डायरेक्टर इंडिका 5 में पूछा था, तो 5 मार्क में आपको 2.5 मार्क का लगभग सिल्वीकल्चर कैरेक्टर था और 2.5 मार्क का आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था। तो आप उसका सिल्वीकल्चर कैरेक्टर डायरेक्ट लिख दोगे तो देर इज पॉसिबल कि आपको उतना बेटर मार्क्स ना मिले। तो जब आपको नाम ही मेंशन करते हो एज अ डायरेक्टर इंडिका, तो उसके साथ में आपको क्या कर देना है, उसी के साथ उसका ब्रैकेट में कॉमन नेम, और अगर याद है तो फैमिली भी को मेंशन कर दो, इसके साथ उसके फिर सिल्वीकल्चर करेंगे।
नहीं टेंशन नहीं लेना, आगे जा करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ओके दूसरा अपना मुद्दा आता है डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वेश्चन जैसे 17 का है, डिस्क्राइब द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सूर्या रोबस्टा एंड अजर डायरेक्टा इंडिका। अब मुद्दा यहाँ पर क्या है, जब आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा तो मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको सबसे पहला काम करना होता है मैप बनाना। आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी स्पीसीज किस रीजन में ग्रो कर रही है। तो सूर्या रोबस्टा कहाँ पर होगी, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया का बार है, सब हिमालयन रीजन से लेकर के एमपी, लगभग मिड एमपी तक, और इधर अगर वेस्टर्न पार्ट में जाओ तो पंजाब से लेकर के यहाँ वेस्ट बंगाल तक, इवन इसके कुछ स्पीसीज जो है वो आसाम वैली तक चली जाती है। ठीक, इन्हें आप एक एक करके देख लेंगे सभी, बट आपको यहाँ पर केवल अपना क्राइटेरिया ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन का भी इम्पोर्टेंस है, वो भी कई बार पूछा जाता है। अब जब आप यहाँ, तो अगर आपको 5-5 मार्क में आपसे पूछ लिया है, एक्चुअली टोटल क्वेश्चन 10 मार्क का है जिसमें आपको सूर्य रोबस्टा का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है 5 मार्क में, तो इशू वही हो जाता है कि आप 5 मार्क में डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखोगे, एक मैप बना के छोड़ दोगे। एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप मैप बना दोगे और जो मैंने अभी बोला कि नॉर्थ में पूरा पूरा क्या डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है उसे आप हाईलाइट करके वहाँ पर सूर्य रोबस्टा का डिस्ट्रीब्यूशन लिख करके निकल लोगे, या फिर अपने इस क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करोगे। कैसे कि जैसे आपने लिख दिया सूर्या रोबस्टा साल, साल को यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि साल को आपने, उसने तो सीधा सूर्या रोबस्टा लिखा, पहला तो आप यहाँ पर जब भी नाम लिखेंगे इसे अंडरलाइन करेंगे, सेकंड आपने ब्रैकेट में लिख दिया साल और उसी के आगे कॉमा लगा के डैप्टर रुखा पीसी। अगर याद है तो फैमिली मेंशन करो, नहीं याद है तो फिर उसको कुछ किया भी नहीं जा सकता। दूसरा आप जब आप उसकी फिनोलॉजी अगर लिखना होता है तो देखो इंडिया में जो भी ट्राई है, जो भी ट्री है, सबसे हाइट के कहाँ होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। रिमेनिंग जो प्लांट हैं वो यूजुअली मीडियम साइज के ही होते हैं। तो यूजुअली जब भी आप आगे भी पढ़ोगे बार बार मिलेगा मीडियम साइज ट्री, मीडियम साइज ट्री। एक्चुअली ये आपको ये समझाने का ट्राई कर रहा है कि आप भी इसे मीडियम साइज ट्री कंसिडर करके लिखते जाओ। उसके साथ साथ 2-3 फैक्ट और डाल देना। तो ये अपना थोड़ा इंट्रो वाला पार्ट हो गया। इसके बाद आप क्या बोल दोगे कि नेचुरली ग्रोविंग है नॉर्थ इंडियन प्लेन में, फ्रॉम यहाँ से वहाँ तक ये चल रहा है, जिसकी रेनफॉल एवरेज ये चल रही है, फलाना ढिकाना है। यहाँ पर मैंने अल्टीट्यूड टोपोग्राफी को रेड कर दिया। इसके पीछे रीजन ये है कि देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी अपने को पता होना चाहिए कि क्या क्या यूज करना है। अब जो प्लांट हिमालय रीजन में उग रहा है उसके लिए आप अल्टीट्यूड टर्म यूज़ करोगे। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन में उग रहा है उसके लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या साउथ इंडिया में जो ग्रो कर रहा है तो उनकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेंशन करो जब तक कोई स्पेसिफिकली पूछ नहीं रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप हर चीज़ में ऐसा मेंशन करोगे तो आपको टाइम थोड़ा लॉस हो सकता है अगर आपका क्वेश्चन नहीं हो पाए तो। इसके बाद आपका मैप रहा। अब आते हैं राइट द फिनोलॉजी ऑफ फॉलोविंग। हमने उसका वो देख लिया, फिनोलॉजी वाला पार्ट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ पर जैसे 18 का क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन जो है जैसे टिक की फिनोलॉजी पूछी है 5 मार्क में, अब आप इसकी फिनोलॉजी में क्या लिखेंगे। या यहाँ पर 2016 के में उसने 4 फैक्टर दिए, डिस्ट्रीब्यूशन, फिनोलॉजी, सिल्वीकल्चर और आर्टिफिशियल रीजनरेशन और यूजेज। मींस उसने 5 पॉइंट दिए और 2 क्वेश्चन हैं, टिक और साल, सेंटिलम, चंदन। तो इस केस में क्या हुआ कि आपका लगभग हर पॉइंट 2 मार्क का है। तो एक तो यह है कि आप सिंपल सिंपल से डिस्ट्रीब्यूशन लेके चल जाओ, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखने की कहाँ ज़रूरत है, जो पहला क्वेश्चन है 2018 का फिनोलॉजी, यहाँ ये 5 मार्क का है, जबकि पहले वाले में तो सीधा, ये दूसरे 16 वाले में सिंपल है, इसमें आपको 2 मार्क में लिखना है। तो आपको उतनी में कंसंट्रेटेड रहो, मैप बना दो, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिनोलॉजी को भी बेटर है समराइज करो 2-3 लाइन में, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब फिनोलॉजी 5 मार्क किया है तब आप वो 2 लाइन के को कैसे बढ़ा पाओगे। तो अपना इशू यहाँ पर ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिनोलॉजी में आता क्या है। अब फिनोलॉजी में हम फिनोलॉजी का तो पहले मतलब आपको ये पता होना चाहिए। फिनोलॉजी होता है कि एक प्लांट अपने जो एनुअल साइकिल में किस टाइप के कैरेक्टर शो करता है, मीन्स उसकी लीफ शेडिंग कब हो रही है, नई लीव्स कब आ रही हैं, फ्लावरिंग कब हो रही है, फ्रूटिंग कब हो रही है, फ्रूट मैच्योर कब हो रहा है,
और फिर सीड जर्मिनेट अगेन होने वाले हैं। यूजुअली कोई भी स्पीसीज की जो फिनोलॉजी है वो उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन प्लांट्स जैसे ही समर स्टार्ट होता है वो अपनी लीफ सेडिंग कर देते हैं, नॉर्थ इंडियन भी करते हैं, मेजोरिटी कर देती है। इसके पीछे एक रीज़न है, रीज़न ये है कि जैसे ही समर स्टार्ट होता है मॉइस्चर स्ट्रेस हो चुका होता है इनकी सॉइल में। अगर इनके पास लीफ रहेंगी तो ट्रांसपिरेशन करेंगी, इतनी हीट में इन्हें ज़्यादा ट्रांसपिरेशन की वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट और सॉइल में पहले से ही वाटर कम हो चुका है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी वाटर कहाँ से ले आएंगे, उसका रिजल्ट होगा इनकी डेथ हो जाएगी। तो इस स्ट्रेस से बचने का सबसे पहला तरीका होता है लीफ को सेट कर देना। दूसरा, हाँ यही कैरेक्टर अगर आप कॉनिफर्स में देखोगे जैसे कि पॉपुलर है या सेलेक्स, तो ये कहाँ के हैं, ये है कोल्ड के, कोल्ड डेजर्ट के। जब समर होता है तो वहाँ पर होती है ग्लेशियर्स की मेल्टिंग, यानी कि वहाँ पर मेल्टिंग होगी तो मॉइस्चर मिलेगी, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया में जहाँ समर यहाँ मॉइस्चर को ख़त्म कर रहा है या मॉइस्चर की अनेबिलिटी कर रहा है, वहीं कोल्ड एरिया में समर मॉइस्चर की अवेबिलिटी का एक कॉजेज है। तो वहाँ के जो प्लांट्स होंगे उनमें लीफ आएगी समर में। उसके सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या ले लो, अपना पॉपुलर है, सेलिक्स है और सी बकथॉर्न है। यही वजह है कि पॉपुलर को तराई रीजन में बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही अपना जो नवंबर का पीरियड आता है लगभग मिड नवंबर पे, उसकी लीफ गिर चुकी होती है। अब तुम्हें जो एग्रीकल्चर क्रॉप में जो वीट जनरली यूज करते हैं जब वो ग्रो करने वाले होते हैं तो वहाँ पर प्लांट केवल डंडे की तरह पोल जैसे लगे रह जाते हैं, तो वहाँ पर कोई लाइट का कॉम्पिटिशन ही नहीं रहा। दूसरा, उसने लीफ सेटिंग कर दी तो लीफ ने एक टाइप का मैन्योर फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया सॉइल की। दूसरा, जब पूरा का पूरा जो विंटर रहेगा, पूरे के पूरे पॉपुलर विंटर पीरियड में लीफलेस रहेगा, सर्दियों के में लीफलेस रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलर कोल्ड एरिया का है और वहाँ सर्दी स्ट्रेसिंग फैक्टर है, वो सर्दी मतलब फ्रॉस्ट को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे ही वहाँ समर आती है, गर्मियाँ आती हैं, कोल्ड एरिया में ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं, उनकी मेल्टिंग होने का मतलब क्या हुआ, मॉइस्चर अवेलेबल हुआ, तो इसलिए सीड भी जर्मिनेट होंगे और इस टाइप के जो प्लांट है पॉपुलर सेलेक्स है इनमें लीफ भी उसी टाइम पर आएंगे। तो जैसे वही फिनोमेना, प्लांट तो वहीं का है कोल्ड का, तो हम तराई में भले ही लेके आए तो यहाँ पर भी क्या होगा, मिड अप्रैल की समथिंग इसमें लीफ आना शुरू होती है और उस टाइम पे अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप हार्वेस्टिंग पे चल चुकी होती है, मैच्योरिटी पे आ गई होती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जनरली जब पॉपुलर उसमें लीफ आ गई है और उसी टाइम पे वीट को ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो जनरली जो पॉपुलर वाली वीट है ये 10-15 दिन पीछे खिसक जाती है बस प्रोडक्शन, और थोड़ा लाइट कम हुई तो 5-10% प्रोडक्शन कम हो जाता है इनिशियल 3-4 साल में बस। बकाया कि बाद में पढ़ेंगे इस पर डिटेल, लेकिन अभी यहाँ पर वो मेंशन के लिए करना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो फिनोलॉजी आपको एक बार समझ में आ गई कि ये होती क्या है। दूसरा, मैंने आपको यहाँ पर यह बता दिया कि फिनोलॉजी क्लाइमेट के हिसाब से चलेगी, तो जो आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन होंगे वो उनकी जो लीफ सेडिंग होगी जनरली वो फरवरी मार्च के समथिंग या जनवरी फरवरी मार्च के समथिंग होने लगती है। एक इससे और रिलेटेड इशू है फ्लावरिंग। बहुत सारे मेजोरिटी प्लांट में क्या होता है कि देखो अगर प्लांट में लीव्स बहुत ज़्यादा हैं और अगर फूल खिले भी तो वहाँ पर जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है वो होना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इंसेक्ट को फूल पर पहुँचना थोड़ा एक बीच में ब्लॉकेज टाइप का रहेगा। तो इनमें क्या होता है, जनरली फरवरी के टाइम पर इन्हें लीव सेडिंग कर दी और उसी टाइम पर यहाँ फ्लावरिंग चालू हो जाती है बहुत सारे प्लांट में। ये मैं उन प्लांटों की बोल रहा हूँ जिनमें कभी कभी ये कुछ वो स्पीसीज हैं जिनमें समर के टाइम पे लीफ आ जाती है, ये थोड़ा उल्टे वाले हैं। अदरवाइज जो समर में लीफ सेडिंग करते हैं वो जनरली मार्च के मिड के टाइम तक लीफ सेडिंग कर देते हैं, और ये थोड़ा सर्दियों में करना शुरू कर देते हैं जो समर में लेके आते हैं लीफ। तो इनमें जनरली होता क्या है कि फरवरी के टाइम पर फ्लावरिंग होती है, उसका पर्पज ये है कि फ्लावरिंग से जो फ्रूटिंग होगी वो लगभग अप्रैल तक आते आते फ्रूटिंग हो जाएगी उसमें, और मई जून तक जो गर्मियां चल रही होती हैं वहां तक फ्रूट पक के नीचे ज़मीन पर आ जाना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो गर्मियों तक पेड़ में कुछ नहीं रखा, बस केवल फ्रूट पक के गिर चुका है। उसके पीछे रीज़न है, रीज़न ये कि इन्हें एक अपने टाइप का अडेप्टेशन कर रखा है। अडेप्टेशन क्या कर रखा है कि जैसे ही मानसून आएगा
सीड ग्रो करेगा। अब अगर कोई पेड़ सीड को प्रोड्यूस ही मानसून तक कर पा रहा है तो फिर वो सीड गिरेगा कब, फिर जर्मिनेट कब होगा? जब तक ये सब कुछ होगा तब तक मानसून ख़त्म हो जाएगा, फिर तो उसे डेथ हो जाएगी, स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इनका पर्पज़ ये होता है कि मानसून तक आते आते सीड प्रोड्यूस होकर नीचे पहुँच जाए। और इवन जैसे टीक होता है, टीक में आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट वेदरिंग टाइप का हमें ट्रीटमेंट देना होता है, यानी कि सीड की हार्डकोर डोमिनेंसी इतनी ज़्यादा होती है टीक में कि उसे कंटिन्यू ये जो गर्मी सर्दी होती है, गर्मी कोल्ड जो गर्मी पड़ती है, फॉरेस्ट फायर होती है, इनको झेलने की उसकी कैपेसिटी है। वो क्यों है? क्योंकि वो उस टाइप की कंडीशन का प्लांट है और उसे वो अडेप्टेशन है। तो वो जनरली मानसून के आने से 1-1.5 महीने पहले ही सीड को मैच्योर करके नीचे टपका चुका होता है। मैं इसका पर्पज़ क्या है, जब आपको ये पता है कि फ्रूट ड्रॉप कब हो रहा है तो आप फ्लावरिंग जो फ्रूटिंग है उसको लगभग 2-3 मंथ पे, 2 मंथ या 1-1.5 मंथ पर पुराना कर दो। अब जब फ्रूटिंग 1-1.5 मंथ पुरानी की है तो फ्लावरिंग कब होगी वो उसके 2-3 मंथ और पुराने पीछे कर दो। तो इस टाइप से ये पूरी पूरी साइकिल रिवर्स में लेकर के एक आइडिया बन जाता है कि अच्छा ये प्लांट इस टाइम पर फ्रूटिंग कर रहा है तो फ्लावरिंग कब कर रहा होगा, और फ्लावरिंग कब कर रहा है तो फिर उसमें एवरेज लीफ सेटिंग कब हो रही होगी। ओके, अब जैसे मैं ये पूरा बता चुका हूँ, यहाँ पर कुछ बचा नहीं है अपने लिए बताने के लिए। एक मुद्दा होता है सिल्वीकल्चर कैरेक्टर। सिल्वीकल्चर कैरेक्टर क्या है? जैसे अपने क्लाइमेट जो सिल्वीकल्चर के स्टार्टिंग के टॉपिक पढ़े थे, क्लाइमेटिक इफेक्ट, टोपोग्राफिक, बायोटिक फैक्टर, तो वो चारों आ जाएंगे। सिल्वीकल्चर के बाद वाले पार्ट में हमने पढ़े थे नर्सरी से रिलेटेड इशू थे, तो वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कुछ स्पीसीज में, हालांकि मैं उन्हें हाईलाइट करूंगा कि कुछ स्पीसीज होंगी जिनमें कोपाइसिंग पावर है। तो ये जो कोपाइसिंग एबिलिटी है या उनकी कोई स्पेसिफिक एबिलिटी है, चाहे वो पैरासाइटिक एबिलिटी सैंडलवुड की हो या यू इसकी डेलबर्जिया सिस्सू की कोपाइसिंग एबिलिटी हो, इस टाइप की जो एबिलिटी है उनको मेंशन करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली यही जो है वो टीचर सबसे पहले देखता है कि आपने जो स्पीसीज मेंशन की है तो उसके वो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं या नहीं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि वो उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर पे ही ज़्यादा क्वेश्चन आए। जैसे जो अपना डेलवर्जिया सिस्सू है, सॉरी चंदन है, सैंडलवुड, सैंडलवुड रूट पैरासाइट है, आपके में क्वेश्चन मिलेगा आपको सैंडलवुड के रूट पैरासिटिज्म पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टीचर समझता है कि जो सैंडलवुड है वो रूट पैरासाइट है, और ये एक वेल नोन फैक्ट है, इवन बॉटनी वाले को भी मालूम होता है। तो जब आप सैंडलवुड को लिखो और उसके में रूट पैरासिटीज में अगर नहीं लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छूटा है और टीचर वहाँ मार्क काटेगा। और अगर आपने ये लिखा तो 100% वो नहीं, मीन्स हर ट्री के रिमेनिंग तो पार्ट जो 80% पार्ट है वो तो बकेती वाला पार्ट है, वो जो 5-10% ही पार्ट रहता है जो उसका स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, केवल अपन को उस पर ध्यान देना है। आगे चलते हैं। अब लास्ट अपन जब भी किसी चीज़ की बात करते हैं तो उसका आएगा रीजनरेशन वाला इशू। तो रीजनरेशन जनरली होता क्या है, एक तो सीधा सीधा प्लांट रूट प्रोड्यूस करते हैं, उस सीड प्रोड्यूस करते हैं, वो होगी सीड से। दूसरा मैंने आपको कोपाइसिंग वगैरह बता दी। अगर राइजोम की बात की जाए तो बम्बू में राइजोम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो एयर सीडिंग और हाइड्रो सीडिंग वाले भी कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखें। जैसे प्रोसोपिस जूली फ्लोरा का अगर इशू आ गया, जिसे मैंने चंबल में बोला था और वेस्टर्न घाट में, अगर आप उसके बारे में लिख रहा है और उसमें एयर सीडिंग नहीं लिखी, थोड़ा ठीक नहीं है। मीन्स ठीक मीन्स पॉसिबिलिटी होती है कि टीचर को वो पता होता है, क्योंकि ये प्रोफेसर जो है वो अगले 35-40 साल तो गुजारे ही होते, और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो इजली दिमाग में चली जाती हैं। ये मस्किट बीन जो प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, इसमें 1-2 साल पहले UPSC प्री में भी क्वेश्चन आया था, एक्जोटिक का इशू था। क्यों? क्योंकि ये पहुंच चुका है साउथ इंडिया में अभी, जहाँ पर इसे नहीं के नहीं मीन्स एयर सीड नहीं किया गया था, और वहाँ पर ये इशू कर रहा है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। दूसरे प्लांट जहाँ ये चला जाए वहाँ पर दूसरे उसे कॉम्पिटी नहीं कर सकते। अब उसी में आर्टिफिशियल में, तो आर्टिफिशियल आप कैसे करोगे? एक है डायरेक्ट सीड सोविंग्स है, कुछ है पॉलीबैग्स है, स्टम्प है, रूट कटिंग है। मैंने आपको रूट कटिंग के ऊपर पहले ही बताया था, ग्रीन वुड कटिंग और एक होती है हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग और सॉफ्टवुड कटिंग दो टाइप की होती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, आप टीक के बारे में लिख रहे हो और आपने फिनोलॉजी में लिख रखा है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, इसमें कोपाइसिंग होती है, ये होती है, वो होती है। अरे भाई, जब उसके
आपने कोपाइसिंग सेल्वी कल्चर में लिख रखा है, तो नेचुरल रीजनरेशन या आर्टिफिशियल में उसकी एबिलिटी को तो आप यूज करोगे ना। जब आप किसी सिल्वी कल्चर कैरेक्टर में किसी स्पीसीज के में आपने ये लिख दिया और आपको उसी का आगे जाकर आर्टिफिशियल रीजनरेशन लिखना है, तो आप उसकी एबिलिटी को यहाँ लिखो। अदरवाइज क्या होगा भाई, आप कुछ भी लिख रहे हो, आपके खुद ही आगे और पीछे के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं बन रहा है। लास्ट में आता है मैनेजमेंट। तो जनरली जो भी हम करते हैं वो या तो क्लियर फिलिंग होता है या सेल्टर बोर्ड होता है। हिली रीजन होंगे वहाँ पर सिलेक्शन सिस्टम होगा, और कोपाई सिस्टम हम किसी स्पीसी लिए करेंगे जहाँ पर कोपाइसिंग है, या ऐसा प्लांट जिसमें कोपाइस बनते हैं, ठीक है। और लास्ट उसके जो अपना क्वेश्चन का पार्ट होता है यूजुअली, वो होता है यूज। तो देखो आप जो भी प्लांट पढ़ रहे हो ये फॉरेस्ट वाले हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई गम रेजिन फाइबर कलेक्ट करने के लिए नहीं होगा था, या तो कुछ स्पीसीज का स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है, स्पेशली इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है, जैसे कि पाइनस रॉक्स वर्गी, उससे हम उसकी टैपरिंग करते हैं रेजिन कलेक्ट करने के लिए। यूकेलिप्टस या कैजुराइना है, फाइबर के लिए यूज करते हैं, बम्बू फाइबर के लिए यूज करते हैं, यानी कि, या फिर टिक साल है तो इन्हें हम टिम्बर के लिए यूज कर रहे हैं। तो या तो आपको ऐसी चीज मिलेंगी जिनका स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है, या नीम ले लो। नीम का इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ये है कि आज जो नीम कोटेड यूरिया आ रहा है, पूरा पूरा जो नीम की आज इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लांटेशन है वो है गुजरात और राजस्थान का, वो रीजन जो गुजरात से लगा हुआ है, वो पूरा इंडस्ट्रियलाइज हुआ है वहाँ नीम प्लांटेशन। हालांकि नीम पूरी नॉर्थ इंडिया में मिलेगा, लेकिन पूरा पूरा वहीं मिलेगा, मीन्स एक्चुअली आर्टिफिशियल में प्लांटेशन जो वर्क है वो वहीं है। अब एक एक करके देख लेते हैं स्पीसीज। तो इनमें सबसे पहले तो हम देख लेते हैं टिक से। इसमें क्या किया है, जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं उन्हें हम पहले निपटा लेंगे, जिससे कि जो लास्ट वाली अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जो इम्पोर्टेंट है वो पहले ख़त्म हो जाए। तो आप यहाँ पर टिक को देखो, पहले तो टिक पे ध्यान रखो इसकी लीव्स का, लीव का साइज देखो। ये जो है मैंने आपको बोला लगभग 2.5-3 फीट तक की इनकी चौड़ाई, और लगभग 3-3.5 फीट तक की इनकी लेंथ हो जाती है। तो ये इतना ब्रॉड लीफ है, तो ब्रॉड लीफ कॉनिफर्स में तो या कोल्ड एरिया में तो उगेगा नहीं, ऑब्वियसली कहाँ उगेगा, नॉर्थ जो साउथ इंडिया है, ट्रॉपिकल का है, या ट्रॉपिकल डेसिडुअस का प्लांट है। इसके बाद इसकी सीडलिंग देखो, तो ये सीडलिंग अल्टरनेट वेदरिंग का जो हम नेचुरल में देते हैं नर्सरी में, अल्टरनेट वेदरिंग ट्रीटमेंट देना पड़ता है इसकी डोरमेंसी को तौर पर रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब इसका वही है, टीक का नाम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस, साल या सागवान बोल देते हैं, फैमिली है वर्बनेसी, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन 24 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उससे नीचे की तरफ मिलेगा, मतलब 20 डिग्री लैटिट्यूड से साउथ की तरफ। अब आपको साउथ इंडिया का अगर क्लाइमेट लिखना है, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको लिखने को आया तो क्या लिखोगे, सीधे लिखते होगे नेचुरली ग्रो बिलो 24 डिग्री लैटिट्यूड इन इंडियन पेनिनसुला एंड म्यांमार। म्यांमार क्यों, आप आगे भी कई बार पढ़ा होगा कि टीक म्यांमार में भी दर ग्रो होता है। एक्चुअली म्यांमार टीक ख़त्म होगा सबसे पहले, इसके बाद उनने जो ब्रिटिश थे उन्होंने आपके यहाँ का टीक ख़त्म किया, या बोलो कि म्यांमार पे जो अटैक किया या म्यांमार को जो कॉलोनाइज किया उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये टीक था। उसकी स्टोरी बाद में बताया जाएगा कि क्यों टीक ऐसा था, जब फ्री होंगे तब बता लेंगे। बट यहाँ पर मुद्दा ये है कि जो अपना कर्क रेखा है उसके नीचे वाले रीजन ही है जिसमें ये टीक होता है। तो अब ये भी है कि आपको पहले तो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, उसके साथ मेंशन कर देना कि आजकल जो प्लांटेशन है वो नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब नॉर्थ इंडिया के ये जो मैंने फैक्टर लिखे हैं, अब आप फैक्टर ध्यान दो, क्लाइमेट कैसा होगा, वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अरे भाई नॉर्थ जो सॉरी साउथ इंडिया में जो जो भी होगा प्लांट कोई सेम क्लाइमेट यही फेस करेगा। रेनफॉल क्या होगा, 100-500 सेंटीमीटर। अब रही बात अल्टीट्यूड की, तो आपको अल्टीट्यूड जो भी है साउथ इंडिया का कोई भी प्लांट है वो बिलो 1 किलोमीटर होता है, मीन्स बिलो 1000 मीटर होता है। टोपोग्राफी है, तो भाई कौन सा प्लान में होता है, फॉरेस्ट का भी देखा है प्लान में उगने के लिए, नॉर्थ इंडिया में था वो इन्हें साफ कर दिया, साउथ में तो भाई कोई ना मिले। और एक्चुअली में फॉरेस्ट जो होता है वो हमेशा अंड्यूलेटिंग लैंड में ही होता है, कोई उसे प्लान करके नहीं दे रखा होता है, ठीक है। तो इसमें जो भी मेंशन होगा वो बिल्कुल कॉमन चीज़ है, इसमें ऐसा कोई नहीं है स्पेसिफिकली कि जो टिक पे ही अप्लाई हो, ये सेम कॉमन है, आप उठा के किसी भी स्पीसीज पे लगा दोगे यही चलेंगे। सॉयल के बारे में वही है, क्योंकि ये साउथ में हो रहा है तो साउथ की कौन सी सॉयल होगी, रेड।
अब देखो कोई भी प्लांट है, आप यहाँ पर क्या पढ़ोगे, ऑन वेल ड्रेन्ड रेड सैंडी लोम सॉयल। देखो वेल ड्रेन, ऐसा कौन सा पेड़ है जो वाटर लॉग एरिया में उगता हो, जो भी है जैसे कि यूकेलिप्टस ग्लोबुलस उग जाता है, और अपना ये क्योंकि उसे पानी ज़्यादा चाहिए, उसका पर्पज ही लगाने का ये था। दूसरा मैंने टर्मिनली अर्जुना बोला है, बोलक जाता है, इन दोनों को छोड़ दो तो रिमेनिंग कोई पेड़ नहीं है जो वाटर लॉग में अपने आप को सर्वाइव कर सके। क्यों, वही प्रॉब्लम है, तो वाटर लॉग रहेंगे तो वहाँ से मिनरल्स और वो एयर एयर नहीं मिली तो रूट डेथ कर गई, रूट डेथ कर गई तो मिनरल्स और वाटर कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इशू है सीधा सा, कोई भी प्लांट हो चाहे कॉनिफर्स हो, कोई भी उठा लेना, वो हमेशा वेल ड्रेन्ड सॉइल में ही ग्रो करेगा। साउथ इंडिया की रेड सॉइल थी तो वही वही लिख रखा है। अब मुद्दा आता है सॉइल पीएच का, तो देखो भाई नॉर्मल पीएच होता है 7, जो 7 तो होता है न्यूट्रल, 7 से लेके 5.5 तक। ये जो स्लेटली एसिडिक सॉइल है, मेजोरिटी प्लांट इसी सॉइल को सपोर्ट करते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि आपके जो इसेंशियल मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट है, 17 टाइप के हैं, 16 या 17, ऐसे दो दो अलग अलग क्लासिफिकेशन में वेरिएशन है, यूजुअली हम 16 कंसीडर करते हैं। तो ये जो 16 हैं मिनरल्स, इसेंशियल मिनरल्स, ये यूजुअली जो सिलेटिक स्लेटली एसिडिक कंडीशन है उसी पर सही फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अदरवाइज पीएच जैसे नीचे डाउन जाएगा या अप जाएगा तो क्या होगा कि कुछ फॉर्म में अनएवेलेबल हो जाएंगे। जैसे सपोज पीएच जैसे ही 5.5 से नीचे जाता है, फॉस्फोरस है वो फिक्स होने लगता है, मतलब अनएवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उस फॉस्फोरस फिक्सेशन का मतलब हुआ प्लांट की जो ATP, जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन कंपोनेंट है, वही काम करना बंद कर देगा। मतलब फॉस्फोरस तो चाहिए चाहिए, अगर आप पीएच बढ़ा दोगे तो कुछ और मिनरल्स गायब हो जाएंगे। तो ये पीएच का यहाँ पर चलेगा तो लगभग जो स्लेटली एसिडिक है 5.5 से 6.5 उसी में ग्रो करेंगे। अब देखते हैं टिक की फिनोलॉजी वाला, अपन कौन से ये क्वेश्चन को पहले ही देख चुके हैं कि एक क्वेश्चन आया था फिनोलॉजी 5 मार्क में और दूसरा आया था 2 मार्क में। 2 मार्क में आप सीधे सीधे पॉइंट पर चले निकल लोगे करके, लेकिन 5 मार्क वाले को तो आप कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है कि जब आप फिनोलॉजी लिख रहे हो टिक की, तो उसे स्टार्ट कैसे करोगे? तो इनिशियल फेज में जो अपन 1-1.5 लाइन का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखते हैं क्वेश्चन का, वो उस प्लांट के बारे में लिखो। कैसे, जैसे टिक इज अ डेसीडुअस प्लांट ग्रोविंग इन ये फलाने टाइप का एरिया है, सॉइल इस टाइप की रीजन है, और ये इस टाइप के वेदर कंडीशन में उग रहा है। आफ्टर दैट इसमें जो लीफ फॉल है वो कब हो रही है, ये देखो लीफ फॉल कब हो रही है, नवंबर जनवरी के टाइम पे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जैसी लीफ फॉल होगी उसमें, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग थोड़ा फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, फिर फ्लावरिंग होगी, फ्लावर के बाद सीड प्रोड्यूस होगा, और सीड आते आते समर से पहले टपक जाएगा, मीन्स लगभग अप्रैल मई के समथिंग तक इसके सीड नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं। या थोड़े लिखने में डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, क्योंकि होता क्या कि जो अलग अलग ऑथर होते हैं वो जनरली हमारे पास होता क्या कि एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को होता है, और वो कॉपी पेस्ट करके कोई भी कहीं का चल देता है, फॉरेस्ट्री में थोड़ा इशू है। तो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से कॉपी पेस्ट का हो जाता तो एक बनाते समय कई बार डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। लेकिन आपको इतना याद रख लेना कि जो टीक है वो जनरली उसका जो फ्रूट है वो आपके जून तक या मई की एंडिंग तक ज़मीन पे आ चुका है, वो उसे जुलाई के से पहले कम से कम 1 महीने उसे वो अल्टरनेट वेदरिंग जो वाला फिनोमेना है उसे एडजस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर आप वहाँ तक चले जाओगे तो फिर जर्मिनेट कैसे होगा। ओके चलो आगे चलते हैं। अब इसके सिल्वीकल्चर कैरेक्टर, मैंने बोला था टीक है वो लाइट डिमांडर है, लाइट डिमांडर ड्राउट कंडीशन। अब साउथ इंडिया में ग्रो करता है तो ऑब्वियसली उसे तो ड्राउट तो झेलना ही है ना, तो ड्राउट को ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होगा। लेकिन ये भी बात सही है कि सीवियर ड्राउट में कौन सा पेड़ बचेगा, तो यहाँ पर यही होगा कि वो ड्राउट में मॉडरेटली होगा, मॉडरेटली रेजिस्टेंट होगा ड्राउट का, लेकिन अगर सीवियर ड्राउट होगी तो उसकी डैमेज पहुँचा देगा उसे। विंड का क्या होगा, विंड फार्म होगा। देखो विंड फार्म कौन से नहीं होते हैं, अगर किसी प्लांट के पास टैप रूट है डीप अंदर तक गई है तो अच्छी सी खासी हवा को भी सहन कर लेता है, उसमें उखड़ता नहीं है। तो विंड फार्म
प्लांट लगभग सभी होते हैं, कौन नहीं होंगे, एक होंगे कॉनिफर्स टाइप के, इनके इशू होता है क्योंकि इनकी सॉइल ज़्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाती है रॉकी वगैरह की वजह से। दूसरा कौन से होंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले, क्योंकि वहाँ वाटर टेबल ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा डीप में नहीं जा पाते। ठीक है, तो यूजली प्लांट विंड फार्म ही होते हैं। फ्रॉस्ट, अब आपको मुद्दा आएगा कि फ्रॉस्ट और स्नो कई सेंसिटिव है या रेजिस्टेंस, तो भाई ये उगते हैं साउथ इंडिया में, जिन्हें अपने पूरी लाइफ में कभी फ्रॉस्ट कभी स्नो नहीं देखी, तो इनमें आप बोलो कि ये रेजिस्टेंट है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये कन्फर्म है फ्रॉस्ट और स्नो सेंसिटिव है। अब रही बात एनिमल इंजरी, देखो भाई कोई भी पेड़ हो उसको कुछ ना कुछ तो इंसेक्ट लगे ही होते हैं, यहाँ पर किसी की याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब फॉरेस्ट पैथोलॉजी है, जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वाला पार्ट आएगा, उसमें एक एक दो दो चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो वहीं के उस उठा करके इंसेक्ट यहाँ पर डाल देने का, और ये पार्ट लिखना कोई कंपलसरी नहीं है कि ये लिखो ही, इसका पर्पज केवल ये है कि सब जब कुछ ना बन रहा हो तो क्या करें। ठीक है, सॉइल कंडीशन आपको वही है सीधी, जब वहाँ की है तो पहले डिस्कस कर रखे कि वाटर लॉक कंडीशन में कौन उगता है। अब मुद्दा ये है कि आप जो टीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है इसकी कोपाइसिंग और पोलाइडिंग कैपेसिटी। टीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोपाइसर होता है, तो आप टीक को जब ग्रेट कोपाइसर है और पोलाइडिंग कैपेसिटी उसकी बता रहे हो, तो जब आप उसका रीजनरेशन करोगे स्पेशली नेचुरल या आर्टिफिशियल, तो आप इस फिनोमेना को वहाँ लिखना ही लिखना है ये स्पेशली कहाँ है। अगर आप कहीं भूल गए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जहाँ ये जैसे 2016 का क्वेश्चन है वहाँ पर आपने उसके सिल्वी कल्चर कैरेक्टर है, सिल्वी कल्चर कैरेक्टर में आपको वहाँ पर लंबा चौड़ा लिख रखा है कि ये ग्रेट कोपाइसर है, पोलार्डिंग कैपेसिटी है फलाना डिमका, तो उसके जब आर्टिफिशियल रीजनरेशन लिखोगे और उसमें आप उसकी उस कैपेसिटी को यूज नहीं कर रहे हो, तो यहाँ थोड़ा डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। ओके, अब राय दो टाइप की रीजनरेशन, नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो वही है कि लिखना क्या है। नेचुरल है तो जनरली सीड से ही होगी, अभी आपसे बोला कि कोपाइसिंग है तो वो तो कोपाइस करेगा ही करेगा ना जब आप काट के चले जाओगे। रही बात आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल एक तो हम सीड लेकर के आते हैं नर्सरी में ग्रो कर लेते हैं, दूसरा वेजिटेटिव पार्ट की बात की जाए तो उसमें एक तो हम कोपाइस को यूज़ कर लेते हैं, दूसरा होता है स्टम्प प्लांटेशन। ठीक है, स्टम्प प्लांटेशन जो होता है, आपको पहले बताया कि लगभग एक वन ईयर की सीडलिंग होती है और जो लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर का होता है, उसका ऊपर का स्टेम वाला पार्ट कट कर देते हैं, एक दो सेंटीमीटर छोड़ देते हैं, और नीचे रूट वाला जो पार्ट है वो 20 से 22 सेंटीमीटर छोड़ता है, जो लगभग 20-25 सेंटीमीटर का जो स्टम्प बचता है, स्टेम जैसी एक पार्ट है, डंडे जैसा हो जाता है, वो हो गया। ये फेमस है स्टम्प प्लांटेशन टीक के लिए और डेलवर्जिया सेसू के लिए। आप इन दोनों में अगर स्टम्प प्लांटेशन नहीं लिख रहे हो तो टीचर सबसे पहले यही ढूंढेगा। ओके, अब सिल्वी कल्चर सिस्टम, देखो पहले चीज दिया है टीक है, उसका मेन पर्पज यूज है टिम्बर, तो टिम्बर है तो लोग सीधे चाहते हैं कि वो क्लियर फिलिंग हो जाए, ये सबसे ज़्यादा यही किया जाता है। अब क्योंकि इसमें कोपाइसिंग भी है तो आप कोपाइस विद स्टैंडर्ड और कोपाइस विद रिजर्व भी कर दोगे, क्योंकि पर्पज वही है कि टीक की हमेशा डिमांड थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। इसके बाद सिलेक्शन भी सिस्टम आ जाता है, सिलेक्शन कहाँ करोगे, एमपी के जो हिली रीजन है या साउथ इंडिया के जो वेस्टर्न घाट वाले रीजन है जहाँ हिली टेरेस है, वहाँ पर आप शिफ्टिंग कर दोगे या सिलेक्शन में लेके आ जाओगे या सेल्टरवुड में लेके आओगे, मतलब सिलेक्शन चल जाएगा लेकिन सेल्टरवुड या कोपाइस कर दोगे तो वहाँ इरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, पहले से वहाँ पर लगभग 5 से 10 मीटर तक रेनफॉल हो जाती है, तो वैसे में इरोजन होना कंपलसरी, मतलब कन्फर्म हो जाता है लगभग कि होगा ही होगा। तो फिर वहाँ पर ये क्लियर फिलिंग जैसी सिस्टम नहीं चल पाते, फिर वहाँ पर अपन को सिलेक्शन में जाना पड़ता है या फिर जनरली कोपाइस विथ रिजर्व और स्टैंडर्ड में घुस जाते हैं। यूटिलाइजेशन क्या है टीक का, अनसीन टाइम में जितने भी आपके ट्रेन के जो पोल बनते थे स्लीपर, ये स्लीपर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, पर इसके साथ साथ जो ट्रेन के बीकन जो डिब्बे बनते थे उनमें भी इसी को यूज़ करते थे। इसके पीछे रीजन ये था कि इसकी जो वुड है उसमें जो केमिकल है वो अपने आयरन जो होता है, कीलें जो यूज करते हैं, नट बोल्ट यूज करते थे, उन्हें ये रॉट नहीं करता था, इसलिए टीक को उन्हें ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। ओके, अब यहाँ पर एक ये क्वेश्चन था 2018 का, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक हम पूरा पढ़ चुके हैं,
तो यहाँ पर जैसे फिनोलॉजी में आपने लिखा, तो स्टार्टिंग बेटर है कि आप पहले फिनोलॉजी को एक्सप्लेन कर दो एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट। फिर यहाँ पर आता है टेक्टोना ग्रैंडिस, जिसकी फिनोलॉजी लिखना है। तो वही जब आपको 5 मार्क में लिखना है, तो आप पहले उसके थोड़े बेसिक फिनोमेना लिख दो कि भाई ये लाइट डिमांडर है, मीडियम साइज है, ब्रॉड शेप क्राउन है, फलाना है, डेसिडुअस है, ठीक है, पेनिनसुलर रीजन में 24 से नीचे के ऊपर करता है। ये आपने एक बेसिक फिनो कर दिया कि ये टीक है क्या, कहाँ उगता है और फीचर क्या है, ठीक है। अब लाइट डिमांडर कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, साउथ इंडिया के सभी लाइट डिमांडर ही हैं मेजोरिटी है। मीडियम साइज मैंने बोला, ये मेजोरिटी प्लांट है, 99% सब मीडियम साइज के होते हैं। डेसिडुअस तो कौन सा है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सभी डेसिडुअस ही होते हैं ना। ब्रॉड शेप क्राउन ये यूजुअल है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्राउन दो ही शेप के होते हैं, या तो ब्रॉड शेप कॉनिफर्स का होगा ट्रायंगुलर, या फिर जैसे यूकेलिप्टस है इनके हो गए सिलेंड्रिकल, यूकेलिप्टस है अशोका है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इसमें लीफ फॉल फ्रूटिंग फ्लावरिंग कब होती है। तो लीफ फॉल जनरली क्या हो रही है, नवंबर जनवरी की समथिंग। फिर फ्रूटिंग कब हो रही है उसके बाद, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है नवंबर जनवरी, मतलब जैसी लीफ फॉल हो रही है उसी टाइम पे यहाँ फ्रूटिंग हो रही है। इसके पीछे वेरिएशन ये है कि कुछ स्पीसी जो साउथ में ग्रो कर रहे हैं उनमें जनरली फ्लावरिंग फ्रूटिंग और लीफ सेटिंग थोड़े पहले हो जाती है, लगभग 1 मंथ पहले। और न्यू लीव्स कब आ रही हैं, अप्रैल मई के समथिंग, ठीक है। और फ्लावरिंग कब हो रही है इसमें, जून और सितंबर। अब आप ये बोल सकते हो कि फ्लावरिंग कहीं हो रही है, फ्रूटिंग कहीं हो रही है, ये क्या हो रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है, कुछ चीज़ ये होती है कि उनमें फ्लावरिंग अभी हो रही है और उसके 2-3 मंथ बाद वो फ्रूटिंग नहीं देते, उनका गेस्ट्रेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। फ्लावरिंग अभी हुई और वो लगभग 6 या 7 मंथ बाद तक आकर के फ्रूटिंग देंगे। तो जो ये जो फैक्टर हैं वो कुछ लोकेलिटी स्पेसिफिक भी हो जाते हैं, इसलिए इस टाइप के नोट्स में कई बार लिखा मिल जाता है। बट आपको सिंपल सा तरीका एक ही याद रखना है, फ्लावरिंग जो कर देना वो आपको दिसंबर जनवरी के समथिंग कर देना, यानी कि नवंबर से जनवरी के समथिंग लीफ सेट हो गई और उसी टाइम पे आप फ्लावरिंग कर देना, ठीक है, फ्रूटिंग उसके बाद कर देना। और दिसंबर जो अपना वो है मानसून है उसके 1 महीने पहले तक उसकी फ्रूटिंग कर देना। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये सही नहीं है लेकिन ये थोड़ा आसान जाता है, इसमें ऐसे इस टाइप के लिखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि टीक की बहुत सारी स्पीसीज हैं और ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का भी थोड़ा वेरिएशन पड़ जाता है। तो अगर आप इस टाइप का भी लिख के आ गए तो उसे कोई गलत नहीं काटता है। अदरवाइज आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जाना है, ऑथेंटिक जाना है, तो जो लिखा है उसे पढ़ दो, ठीक है। दूसरा आप देखते हैं साल का, यहाँ पर अब मैंने अभी बोला साल का मुझे लगा नहीं कि मैंने एक स्पीसीज कर दिया, तो एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया।